ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बोर्ड्स मॉडल। अब देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स मॉडल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, स्पेशली इन जेईई मेंस एंड इन नीट, दे आर मेनली फ्रॉम बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेस भी हम लोग डिराइव करेंगे, और उन सब फॉर्मुलेस की वैल्यूज जो है, उन सब फॉर्मुलेस को हमें ध्यान भी रखना है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फॉर्मुले आएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्स मॉडल की शुरुआत करने के पहले हम लोग बात करते हैं नील्स बोर के पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट्स का मतलब हो गया अ सर्टेन सेट ऑफ अजम्पशंस, जिनके बेसिस पर नील्स बोर जी ने अपना मॉडल दिया। अब देखिए, नील्स बोर जो है वो बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे, है ना, वो फिजिक्स के आदमी थे, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात हुई, वहीं से इंस्पायर होकर, वहीं से मोटिवेट होकर नील्स बोर जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और नील्स बोर जी का एटॉमिक मॉडल जो है वो काफी कुछ रदरफोर्ड के मॉडल से मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्या थे नील्स बोर जी के पोस्टुलेट्स, आइए हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट तो इनका वही था जिसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहला इन्होंने पोस्टुलेट ये दिया कि जितना भी मास है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो सब एक छोटी सी जगह में बंद है। मतलब बेसिकली दिस वाज बिल्डिंग अप फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि जितना भी मास और पॉजिटिव चार्ज है, वो सब एक बहुत ही छोटी सी जगह में बंद है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो नील्स बोर जी ने भी ऐसा ही मान लिया कि भाई न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ही था, तो उन्होंने न्यूक्लियस से ही आगे जो है अपनी बात स्टार्ट करी। अब आप अगर थोड़ा सा याद करो तो रदरफोर्ड्स मॉडल फेल क्यों हुआ था। रदरफोर्ड्स मॉडल फेल हुआ था मैक्सवेल्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। देखिए, रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस की खोज करी थी कि जितना भी मास और पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा का सारा एक बहुत ही छोटी सी जगह में बंद है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, यहां तक रदरफोर्ड्स मॉडल में बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन कहां घूम रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो नील्स बोर जी ने यहीं से अपना मॉडल आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। तो उनका फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए एक दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ इस टाइप से आ सकती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके रिवॉल्व करने के लिए देयर आर सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है। ये ऑर्बिट सारे सर्कुलर हैं। तो आई विल जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट। The electron can revolve around the nucleus in certain orbits of fixed radius. और इन्हीं orbits को उन्होंने represent कर दिया n equal to 1, n equal to 2, और इसी तरह से आगे चलकर n equal to 3 and so on. तो electron कुछ particular orbits में ही घूम सकता है। जैसे इस वाले orbit का radius मान लीजिए r1 है, और इस वाले orbit का radius r2 है। तो या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रह सकता है, या तो थर्ड में रह सकता है। इन दोनों के बीच में कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने बोर ऑर्बिट्स का नाम भी दिया। दीज ऑर्बिट्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज द बोर ऑर्बिट्स। सो दिस वॉज हिज फर्स्ट पॉस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही बेटा रह सकता है, ऐसे कहीं भी मन मर्जी के ऑर्बिट में तुम सोचो इलेक्ट्रॉन घूमने लगे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट उनका यह था कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट इज कॉन्स्टेंट। अब ये भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। देखिए,
जब हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पर यह बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एक्सिलरेशन हो रहा है, और बीइंग एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी जो है वो लूज करता रहेगा, ठीक है। नील्स बोर ने यहां से हटकर कुछ अलग बात करी, उन्होंने बोला कि मैं एक स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं, और एक मिनट के लिए ऐसा मान के देखो कि इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में है तो वो वहां पर कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे मान लें, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। तो देखो दीज आर सेट ऑफ पोस्टुलेट्स, नील्स बोर ने बोला अगर आप पेपर पे इन बातों को मानकर देखोगे तो आपको एटम का स्ट्रक्चर, एटम का मॉडल जो है वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। तो ये उनका एक अजम्पशन है, उन्होंने बोला भाई देखो मैं कुछ खास टाइप के ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं, और ऐसा एक मिनट के लिए मानो कि इन खास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी हो जाएगी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट इज कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट लूजिंग एनी एनर्जी अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो दिस वॉज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। उनका थर्ड पोस्टुलेट था एंड दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, कि बेसिकली अगर कोई भी चीज एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, तो कोई भी चीज जैसे मान लीजिए इस केस में इलेक्ट्रॉन ही हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो लगातार एक सेंटर के टूवर्ड्स फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर के टूवर्ड्स अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जनरेट हो रहा है। सो दिस वॉज हिज थर्ड पोस्टुलेट, दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू द एफ सेंट्रीपिटल, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू द एफ सेंट्रीपिटल। मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास है m, और ये एक कांस्टेंट स्पीड v से घूम रहा है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से जनरेट हो रहा है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जनरेट हो रहा है। अगर आपने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको ये बात बहुत आसानी समझ में आ रही होगी कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स लगना चाहिए, और उस फोर्स की वैल्यू जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कितना हो जाएगा, अब देखिए मान लेते हैं कि इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जो है वो लेट अस से z के बराबर है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अगर z है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू k इनटू q1, जैसे ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो k इनटू q1, तो q1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी z इनटू e। ये z इनटू e कैसे आया बेटा, देखो अगर एटॉमिक नंबर z है तो इसका मतलब इसके अंदर z प्रोटॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है e, तो z प्रोटॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा z into e, ठीक है। तो k q1 q2, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है e, ठीक है। फोर्स वाले फॉर्मूले में हमें चार्ज का खाली मैग्नीट्यूड डालना है, आप जैसे सोच सकते हो सर माइनस ई होता है, बट ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि फोर्स वाले फॉर्मूले में जस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए। तो k q1 q2, q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, q2 हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सो दिस वॉज आवर थर्ड अजम्पशन, एंड the fourth and last assumption was that the angular momentum of an electron in a stationary orbit is quantized, ठीक है। ये इनका fourth assumption था कि एक electron का angular momentum, ठीक है, ये quantized होता है और ये हमेशा
h अपॉन 2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी चीज की वैल्यू जब किसी फंडामेंटल यूनिट के मल्टीपल्स में घटे या बढ़े, है ना, पैकेट्स के फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो उसे हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड एंड इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक स्टेशनरी ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड है और वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल है h पाई 2 पाई का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है, सर एक नया वर्ड यहां पे आ रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये जो बोर ऑर्बिट्स हैं इन्हीं को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। स्टेशनरी वर्ड कहां से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर स्टेशनरी रहती है, स्टेशनरी मतलब कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज वाई दीज ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इसीलिए इनको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड और हमेशा h बाय 2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर m मास का इलेक्ट्रॉन v स्पीड से r रेडियस के सर्किल में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v r के बराबर। और ये इन्होंने बोला इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई, और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई यहां पे n क्या है, n यहां पर बेसिकली है द ऑर्बिट नंबर, क्योंकि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइक n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। इस फर्स्ट ऑर्बिट को आपने 9th-10th में सुना होगा, हम लोग k शेल भी कहते हैं। n इक्वल टू 2 इज द सेकंड ऑर्बिट, इसको हम लोग l शेल भी कहते हैं और इसको हम लोग m शेल भी कहते हैं एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन के शेल, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे h बाय 2 पाई, आप n का वैल्यू 1 पुट कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर मोमेंटम इन l शेल, तो l शेल का मतलब n इक्वल टू 2, तो आप यहां पे n की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2h बाय 2 पाई आ जाएगा, जो कट के h बाय पाई बन जाएगा सिंप्लीफाई होके। इसी तरह m शेल में पूछूं तो आप यहां n की जगह 3 पुट कर दोगे तो इट विल बी 3h बाय 2 पाई। तो बेसिकली नील्स बोर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर की वैल्यू, m मतलब मास, v मतलब स्पीड और r मतलब रेडियस, ये एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे h बाय 2 पाई या 2h बाय 2 पाई या 3h बाय 2 पाई और इन जनरल nh बाय 2 पाई। हो सकता है आप सोचो सर ये आइडिया कहां से आया, इनको h बाय 2 पाई वाली बात कहां से आई, तो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर डिस्कशन, हम उस बात को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसकी जरूरत भी हमें दूर दूर तक नहीं है जेई सिलेबस में, नीट सिलेबस में, कि ये h बाय 2 पाई ही क्यों आया इसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक नील्स बोर का एक बेसिकली एक अजम्पशन है ना, और इसी के बेसिस पर आगे हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। वैसे आगे चलकर जब मैं आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये चीज लिखने का मोटिवेशन नील्स बोर को कहां से आया होगा, कहां से उन्होंने सोचा होगा एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई वाली चीज, है ना। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारे लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन है एंड दीज आर द सेट ऑफ पोस्टुलेट्स बेस्ड अपॉन विच वी आर गोइंग टू स्टडी बोर्स मॉडल। ठीक है, और कुछ एक दो पॉइंट्स और जो मैं समअप कर दूं फाइनली, कि भाई नील्स बोर ने एक मेजर बात ये करी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मन मर्जी के ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रह सकता है जहां पर रेडियस फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, और घूमने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जनरेट हो रहा है। फाइनली सम अप करते हुए एक लास्ट पॉइंट ये कि देखिए ये वाली जो इक्वेशन आपने लिखी है, ये इक्वेशन आपने ये मान के लिखी है कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने वाला सिर्फ ये न्यूक्लियस है, और इस बात का मतलब ये निकला कि इसके आजू बाजू आसपास कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बोर्स मॉडल, कि बोर्स मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगले 3-4 घंटे के वीडियोस में आपको मैं बोर्स मॉडल के बारे में
बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं. आई विल टेल यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स, बट यू मस्ट कीप दिस इन माइंड दैट जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो बोर्स मॉडल के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में अप्लाई करेंगी, क्योंकि ये इक्वेशन ही तभी वैलिड है जब सिर्फ ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा हो, और सिर्फ ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा हो मतलब आसपास और कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, और ऐसा होने के लिए जो सिस्टम है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बोर्स मॉडल दैट बोर्स मॉडल अप्लाइज टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और रादर आई शुड से ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे कि एच ई प्लस, नॉट एच ई, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एच ई प्लस बनेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे कि एल आई टू प्लस, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू प्लस बनेगा तो दो निकल जाएंगे एक बचेगा, जैसे कि बी ई थ्री प्लस. ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम्स के लिए ही बोर्स मॉडल में पढ़ी जाने वाली सभी चीजें अप्लाई करेंगी. इनके एटॉमिक नंबर्स जल्दी जल्दी कर बता दें तो Z इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए, Z इक्वल टू 2 एच ई प्लस के लिए, Z इक्वल टू 3 एल आई टू प्लस के लिए, और Z इक्वल टू 4 बी ई थ्री प्लस के लिए. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल, और शुरुआत करते हैं विद द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स का रेडियस के लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और उसमें इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन का मास है m और इसकी स्पीड है v, और ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है r, और इस सिस्टम का एटॉमिक नंबर मान लीजिए z है, और ऑर्बिट का नंबर जो है वो n है. ठीक है, इस n को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसके बारे में आगे चल के मैं आपको और बताऊंगा. तो इस ऑर्बिट का नंबर जो है वो n है, दैट इज 1 2 3 4 जो नंबर होता है उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So the first thing we are going to do is derive a formula for the radius of stationary orbits. और ये सभी formulae बहुत important हैं, तो इनकी derivation भी आपको ध्यान रखनी है, और उससे बहुत ज़्यादा important आपको final result भी ध्यान रखना है. तो आइए बात करते हैं. तो भाई यहाँ पर हम लोग दो equations लिख सकते हैं, एक तो हमारी force की equation हो गई, force की equation हमारी 3k into ze square by r square is equals to mv square by r, f electrostatic is equals to f centripetal. इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. सो दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन मेरी थी एंगुलर मोमेंटम वाली. एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन क्या थी, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2π. ठीक है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2π, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज डिराइव अ फॉर्मूला फॉर रेडियस. अब देखिए कैसे काम होता है. अगर इक्वेशन नंबर 1 से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू लिखूं, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो ये आर से एक स्क्वायर कट जाएगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर. ये m इधर चला आया, एक r से r कट गया, ये v square की वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. और इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख देता हूं, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करूं तो वहां से भी मेरे पास एक v square की वैल्यू आएगी, और वो v square की वैल्यू आएगी n square h square, दिस इज n राइट, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर
इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर वन से वी स्क्वायर निकाला और ये मैंने इक्वेशन नंबर टू से वी स्क्वायर निकाला, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूं, दोनों वी स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वेट कर सकता हूं, तो मैं इक्वेट कर देता हूं। तो देखिए इक्वेट करने पर क्या आ जाएगा, इक्वेट करने पर आएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इस टाइप की चीज आ रही है। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है कि ये m और m स्क्वायर से इधर ये कट जाएगा कैंसिल आउट, r से ये r का स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक r बचेगा इधर। और अब इस पूरे फॉर्मूले से मैं r को एक साइड ले जा करके अगर ओवरऑल फॉर्मूला डिराइव करूं तो ओवरऑल फॉर्मूला मेरे पास r के लिए आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर इंटू एम, इस r को मैं इधर ले गया और m को मैंने इधर ही छोड़ दिया, ठीक है, फोर पाई स्क्वायर m इंटू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है रेडियस का फॉर्मूला फॉर अ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब नेचुरली बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर क्या ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला लग रहा है ना। देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है ये, तो क्या ये हमको याद करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, ठीक है, बी हैप्पी फॉर दिस रीजन कि आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है और इसे हम लोग याद कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले का अब मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन बताने जा रहा हूं और वो फॉर्मूला सभी बच्चों को याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर इस फॉर्मूले को आप एनालाइज करो तो यहां पर आपके सामने क्या हो रहा है कि इस फॉर्मूले में n, n यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर। एक बार जल्दी से मैं आपको सभी चीजों की वैल्यू याद दिला देता हूं, सभी चीजों का मतलब याद दिला देता हूं बेसिकली। तो n हो गया ऑर्बिट नंबर, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 और पाई तो भाई कांस्टेंट ही है, इसका मतलब क्या बताना है, 4 का मतलब 4, पाई का मतलब पाई, m का मतलब है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k का मतलब है द कूलम्स लॉ कांस्टेंट, z का मतलब है द एटॉमिक नंबर एंड e का मतलब है द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 into 10 raised to the power माइनस 19 कूलम्स। तो अगर आप क्लोजली एनालाइज करो तो इस फॉर्मूले में n और z को छोड़ करके, n और z को छोड़ करके इन दोनों चीजों को अगर हटा दो, n को और z को, तो बाकी सारी चीजें तो बेटा कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजों की वैल्यू फिक्स है, h इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, कूलम्स लॉ का कांस्टेंट है k, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, तो ये तो सारी चीजें फिक्स्ड हैं। तो इन सब चीजों की वैल्यूज जब अप्रोप्रिएट यूनिट्स में पुट की जाती हैं तो सॉल्व करने पर जो फाइनली हमारे पास आता है और जो हम सबको याद रखना है वो आता है r इज इक्वल्स टू 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। अब इस बात का हमको अच्छे से बिल्कुल रट्टा लगा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उस पर खूब क्वेश्चन आते हैं आईटी में, ठीक है, इनफैक्ट नीट में भी काफी सवाल आते हैं। तो आर यहां पे है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट एंड इट इज इक्वल्स टू 0.529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम किसी स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। बहुत बार सवालों में हमसे रेडियस के रेशियो को निकालने की बात होगी, दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के रेडियस का रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालना बहुत आसान है, हम लोग एन वन स्क्वायर बाय जेड वन इंटू जेड टू डिवाइडेड बाय एन टू स्क्वायर करके इस तरीके से हम दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के रेडियस का रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी डायमीटर्स की बात हो जाए तो इतनी मैथ सबको आती है कि स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट देखिए क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, तो अगर उसका डायमीटर निकालने के लिए बोला जाए तो डायमीटर निकालने के लिए बोला जाए तो d इज इक्वल्स टू 2r हो जाएगा,
रेडियस आपको निकालना आता है, उसको डबल करके आप डी निकाल सकते हो। डी का मतलब हो गया डायमीटर। कभी एरिया सबटेंडेड की बात हो तो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, तो एरिया सबटेंडेड की बात हो तो हम लोग को क्या कर देना है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर कर देना है। आर हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है, ठीक है। सो ये सब बेसिक बातें जो है ध्यान रखनी है, और इसी के साथ हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। एंड द प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। R इज इक्वल्स टू वी ऑल नो 0.529 into n square by z angstrom। तो n की जगह हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिट नंबर। तो मैंने फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट बोला है तो ये हो जाएगा 1 square, और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z का वैल्यू भी हो जाएगा 1 angstrom, ठीक है। तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.529 angstrom। अब लॉजिकल सी बात है, आपके मन में आ रहा होगा सर इतना इजी सवाल करने के पीछे क्या लॉजिक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ना, एन और जेड दोनों वन वन है, साफ साफ दिख रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो द रीजन फॉर डूइंग सच अ प्रॉब्लम इज दैट ये जो 0.529 एंगस्ट्रॉम आया है इसको हम लोग बेटा ए नॉट भी कहते हैं, ठीक है। और ए नॉट का मतलब होता है द बोर रेडियस, दिस इज इन ऑनर ऑफ नील बोर। नील बोर को सम्मान देने के लिए हम लोग हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको हम लोग बोर रेडियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बोर रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉट इन ऑनर ऑफ नील्स बोर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को कभी कभी कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है कि R इज इक्वल्स टू ए नॉट इन टू एन स्क्वायर बाय जेड, वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम।